इन संक्रमण की तीसरी लहर से पहले सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत कर दी है, लेकिन टीकाकरण को लेकर उत्साहित युवा टीकाकरण केंद्र पर लापरवाही बरत रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं। युवाओं की इस लापरवाही से एक्सपर्ट और डॉक्टर भी चिंतित है और उन्हें लापरवाही से बचने का सुझाव दे रहे हैं। डॉक्टर संक्रमण को खतरनाक बताते हुए सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने और भीड़ ना लगाने का सुझाव दे रहे हैं ताकि तीसरी लहर के महामारी से लोगों को बचाया जा सके। और वैक्सीन तो 18 साल से ऊपर को पड़ ही चुका है, इसीलिए वैक्सीन के बाद भी ओमिक्रॉन को फैलना आवश्यक होता है, फैलेगा अगर ओमिक्रॉन आ गया, क्योंकि इसका म्यूटेंट वेराइटी जो होता है सो बहुत ज़्यादा है और इसका जो है सो फैलने का जो तरीका हम बताएं ये सब चीज़ होता है, साधारण चीज़ होता है, बुखार, हल्का बुखार होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है, सर्दी हो सकता है, गले में खराश वगैरह होगा, बदन में दर्द होगा, लेकिन सांस रुकने की प्रक्रिया, कम होने की प्रक्रिया, ऑक्सीजन लेवल कम होने की प्रक्रिया कम होती है, इसीलिए ये चीज़ हो गया है कि जो चीज़ को हो गया इन्फेक्शन सबको होम क्वारंटाइन में रहे और ये दवा जो सरकार दी है, इसका किट जो दे दिया गया है उसको अगर पॉजिटिव है तो उसको लीजिए और उसका पालन कीजिए और सबका पालन अगर करेंगे तो ये आपका ये ख़त्म हो सकता है। यही चीज़ है कि 16 से और 30 साल जो आप बतलाए हैं तो 15 से 18 साल का तो वैक्सीनेशन सरकार ने दे दिया है लग रहा है उसको, और 15 साल से नीचे का भी चल रहा है, प्रयास चल रहा है, ये जब हो जाएगा सेटलमेंट तो उसको जो है सो वैक्सीनेशन का शुरुआत हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन से कम ये होगा कि एंटीबॉडी लेवल हो जाता है, बढ़ जाता है, भले इसका नहीं हो लेकिन स्प्रेड को रोकेगा, आगे के फैलने को रोकेगा, सीरियसनेस को रोकेगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस बार जो तीसरी लहर है ओमिक्रॉन की, इसमें जैसा कि आप बता रहे हैं कि ज़्यादातर यंग एडल्ट और जो मिडिल एजेड लोग हैं वही ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। इसका जो कारण है कि वे अभी भी जो सावधानी जो बरतनी चाहिए उसका पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि अभी संक्रमण का जो दौर है उसमें खास करके मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बिना मास्क के अगर लोग बाहर निकलते हैं तो वो काफ़ी मतलब उसमें संक्रमण होने की चांसेस है। दूसरी बात जो है उन्हें हैंड सैनिटाइजेशन के लिए भी बार बार हाथ को साफ रखना है, और तीसरा है कि भीड़ नहीं लगाना है। अकेले आप रूम में रहें तब नहीं भी आप अगर मास्क पहने हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत लोग हैं तो आपको मास्क पहनना है, हाथ साफ रखना है और ज़्यादा लोग को अंदर एक रूम में नहीं रहना चाहिए। अगर आप अपनी खराब होती तबीयत की वजह मौसम को मान रहे हैं और आपको भी सर्दी, खांसी और बुखार है तो आप में भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें क्योंकि लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। समाचार प्लस के लिए रांची से मोहम्मद मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।